है खास हर अंदाज। गोपी किसे ढूंढ रही हो? चिंता मत करो, मैं तो बस यूं ही पूछ रही थी ताकि तुम्हारी सहायता कर सकूं। बोलो किसे ढूंढ रही हो? मैं वो यहाँ किस लिए? तुम तो ऐसे कर रही हो जैसे मेरा लल्ला करता है। जब उसे कोई बात छुपानी होती है ना तो बिल्कुल ऐसे ही करता है। कौन हो तुम? तुम्हें पहले कभी वृंदावन में देखा नहीं? हाँ, मैं यहाँ की नहीं हूँ, बिराजपुर से आई हूँ। बिराजपुर? तभी तो मैं कहूँ कि इतनी सुंदर क्यों हो। बिराजपुर के पानी में ही कुछ ऐसा है कि चेहरे पे निखार आ जाती है। बिराजपुर के विषय में बहुत जानती हो? हाँ, क्योंकि हमारे बहुत से रिश्तेदार रहते हैं वहाँ पर। तुम किसकी बिटिया? क्या नाम है तुम्हारे माता पिता का? यशोदा। किसकी बिटिया है बिराजपुर से? वही तो मैं कब से पूछ रही हूँ, किसकी पुत्री हो तुम? हम तो बस आए थे, वो हमारी गैया। अब समझा, तुम्हारी गैया कहाँ खो गई। नारायण नारायण। रब, एक कांगा को मैया यशोदा के एक स्पर्श मात्र से ही मातृत्व का ज्ञान हो गया, किंतु मैया यशोदा को एक कांगा के बारे में अब तक कोई आभास नहीं हुआ। ऐसा क्यों हो रहा है प्रभु? देव ऋषि, इसे कहते हैं रिक्तता। एकांगा का जीवन प्रेम रिक्त है, जैसे रिक्त नदी जल को स्वतः अपनी ओर खींचती है, वैसे ही रिक्त एकांगा की ओर नंद यशोदा का प्रेम स्वतः प्रवाहित हुआ है, क्योंकि वो प्रेम से भरे हुए समुद्र के समान है। किंतु ऋषिवर, यदि एक मटकी जल समुद्र से निकाल लिया जाए तो क्या समुद्र को ज्ञात होगा? मैं समझ गया प्रभु, मैं समझ गया।